Nice. तू कर ले इंट्रो, तू कर ले। वेलकम बैक टू माय इंट्रो। क्या था? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज मई 9th एंड आज मेरी ग्रेजुएशन है सुबह। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। माशाल्लाह 4 इयर्स एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। इवन बिफोर दैट, जो इस 4 साल तक आते आते पिछले 4 साल, फिर उससे पिछले 3 साल, फिर उससे पहले पता नहीं कितने साल, बेसिकली नर्सरी से लेके यहाँ तक का कहानी आज सुबह ख़त्म होएगी इंशाल्लाह। तो ख़त्म इतनी भी नहीं होनी, समर में एक क्लास रहती है मेरी, तो वो भी करनी है, लेकिन कहने को ख़त्म हो रही है। पहले बच्चे बन के जाएंगे सुबह। और ग्रेजुएशन भी ऐसी है कि पहले काम करना 4-5-6 घंटे, काम करने के बाद घर आना, जल्दी जल्दी तैयार होना है, एंड देन वी आर गोना गो एंड इंशाल्लाह तस्वीरें खींचेंगे। ग्रेजुएशन को पहले मैं बहुत लाइट ले रहा था, बिकॉज इट्स ग्रेजुएशन, यू नो, इट्स अंडरग्रेड ग्रेजुएशन। यहाँ से सेम कॉलेज से मेरे 3 सिबलिंग्स बड़े अंडरग्रेड, फिर मास्टर्स भी किया हुआ है, तो मेरे लिए यहाँ पे जाना तो रेगुलर सी बात है। अल्लाह माफ़ करे, लाइक उस तरह नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी बात फील नहीं हो रही थी। और लेकिन फिर मैंने सोचा, यार ये एक नेमत है अल्लाह की तरफ से, टू बी एबल टू ग्रेजुएट, स्पेशली इन अमेरिका, स्पेशली विद ऑल दिस फैसिलिटीज़ वी हैव। तो इस नेमत को छोटा ना करूँ मैं अपने दिल में कि ओ इट्स जस्ट अंडरग्रेड। नो, अंडरग्रेड भी बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है, तो उसको ट्रीट करो ऐसे कि बहुत बड़ी नेमत है, ताकि अल्लाह खुश होए आपको वो नेमत देने पे। तो मैं इसको बड़ी खुशी से इंशाल्लाह कबूल करूंगा और लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो। अल्लाह खैर करे। इट इज़ 10:30, इट्स ऑलमोस्ट 11 AM और 4:30 मेरा ग्रेजुएशन टाइम है। सो गोना गेट डन विद वर्क इन अबाउट हाफ एन आवर टू एन आवर एंड देन गेट होम और फिर तैयारी करनी ग्रेजुएशन की। तो या लेट्स सी, मजा आएगा। हाँ, तू कर ले इंट्रो, तू कर ले। वेलकम बैक टू माय इंट्रो। क्या था? अच्छा, हाँ जी, तो वी आर हियर एट द वेन्यू और अभी वॉक थ्रू ग्रेजुएशन होने वाली है। वेटिंग फॉर ज़ैन साहब, ही इज कमिंग राइट फ्रॉम वर्क और अभी अंदर जाने लगे हैं, एंड देन अनस विल टेक ओवर एंड मेक द वीडियोस फ्रॉम हियर ऑन आउट। आई विल ट्राई माय बेस्ट। नहीं, वैसे ज़ैन को करने दी, ज़ैन करते क्या? हाँ, वो उससे इस तरह काम करवाते हैं। ज़ैन साहब आए हैं माशाल्लाह भागते भागते अपना कैमरा लेके। जॉब से आया मेरा बेटा जी, जॉब से स्ट्रेट टू द ग्रेजुएशन। अप्रिशिएट दैट। हमजा नोआ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, सोशियोलॉजी। हाँ जी, तो तस्वीरें वगैरह खींच ली, वॉक कर ली और बहुत पसीना आ रहा है। पूरा सूट पहना हुआ, नीचे से नहीं पहनना चाहिए था। तो अब बाहर जाएंगे और शायद बाहर तस्वीरें खींचे और अब बहुत लग रही है घर जाना भाई, बहुत कर लिए ग्रेजुएशन। हाँ जी, तो मी एंड द बॉयज़ आर टेकिंग अ बिट लॉन्गर क्योंकि हमने तस्वीरें खींच ली थी। तो ज़ैन ने माशाल्लाह यार बड़े परफेक्ट टाइम पे, अच्छा ये यहीं पर रह जाते हैं, रहने दो भाई। दोबारा करना तो अब नर्वस हो जाते लौंडे, मैं तो नर्वस नहीं होता, ठीक है। काम वो करो जो आप लोगों के सामने भी कर सको, दैट्स व्हाट इट इज़। अब यहाँ पे शाहरुख खान का पोज मैं मारूँ, कोई नहीं रोकेगा कि मैं मारने नहीं लगा। यस, सो नाउ वी आर इन द कार और बॉयज मुझे खाने खिलाने लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, राइट बॉयज? देखा, झूठे झूठे। ज़ैन साहब लाइन में लगे हुए हैं, ही इज़ अप नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट बट ही इज़ अप सून। वेट, अदर वे, अदर वे, अदर वे, नो, इज़ दिस वे, एवरीवन हैज़ ऑन द लेफ्ट, दे आर रॉन्ग, ही इज़ राइट, शी फिक्स्ड इट। आई वाज़ ऑन दैट साइड यस्टरडे, नाउ आई एम बी ऑन दिस साइड। ज़ैन अली, यस, Bachelor of Science, Business Administration. Oh, Bachelor of what? Science. Bachelor of what? Science. Bachelor of what? Science. Congratulations, you guys. All right.
Anji, so finally done with Zen's walkthrough. And it's hard to make it about me, lekin jo tasveerein khench chodi hain maine, jo tasveerein khench chodi hain, Zen bhi maan gaya aaj to. So as long as Zen is happy, right Zen? But I'm gonna go home and I'm gonna go. Yeah, let's go, boys, I'm hungry. Graduation hamari kitne baje hai? 11. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Kya hal hai? Theek thaak. J dot ki lagayi hai pushing. मैंने लिटरली सेम जो किया था जब मेरी ग्रेजुएशन थी, मैं उधर पहुंचा था, नाउ लाइक लेमगार्डी और लेवियोसा ऐसे करके पूछता, तो वो देखो हम भी माशाल्लाह इतने लेट आ रहे हैं, वो पहुंचे पड़े सारे एक्चुअल ग्रेजुएट्स जो है ना, जिन्होंने एक्चुअली मेहनत की है. I mean, कई तो हमने भी आया चैट जीपीटी पे टाइप करते करते दिखाओ, ये दिखाओ स्पेलमैन स्कॉलर $50 का, ये मेडल $50 का, मतलब मैं तो स्मार्ट ही हूं नहीं मुझे, ये बच्चा पाकिस्तानी है, देसी है, से पता नहीं है, यहां पे बिजनेस है इनका, ये लोग खरीद बेचते हैं माशाल्लाह, लाइक एवरेज 3.9 थी लास्ट सेमेस्टर, अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता कैसे, तुझे भी नहीं पता कैसे, मुझे भी नहीं पता कैसे. पर देखिए मुझे अभी लाइन के फ्रंट पर होना चाहिए था, मैं ग्रुप 1 में था. हां मैं ग्रुप 6 में था, नहीं वो मेजर वाइज है, उसमें परफॉर्मेंस का कोई कोई ताल्लुक नहीं, कौन ज्यादा स्मार्ट है. ओए चल ले चल ले छोटू, और रुक जा, जैसे कि वो नहीं लगी. ऑल दीस ग्रेजुएट्स ऑफ टू द सैचुरेटेड जॉब मार्केट, सी यू अगेन इन 2025. जुमाने माजी जाने हाल जाने इस्तकबाल साया ये खुदा है ज़ुल्जलाल. इन्होंने जो पहले मार दिया मैं ये टैग नहीं है ब्रो. By the virtue of the authority vested in me, yep. By the region of the station, I hereby confer upon you the degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science. Woo! टोपी पहन की थी, अब ढूंढ रहा हूँ, मिल गई फाइनली. हम कैमरा क्या पकड़ने चले गए गाड़ी में, आप तो वहाँ भी बहुत हो गए, पिक्चर्स का खींच लिया यार, मैंने तुझे कहा था जब व्लॉग बना बोला ना कर, चल आ जाओ. तो जंगलियों के स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं शायद से, तो पानी में डुबकी लगा दिया. हाँ जी, आप यहाँ देख सकते हैं कि आवाम पूरी पागल हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और मैं वो दूर खड़ा असेस कर रहा था कि हो क्या रहा है और मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, और शक्ल के ऊपर डिस्कस्ट के एक्सप्रेशन आप देख ही सकते हैं. तस्वीरें तो नहीं आने लगी, भूल जाओ, अब नहीं होता कुछ ब्रो, मेरी तस्वीरें एक तो कैंसिल थी यहाँ. हाँ जी, तो वी टेकिंग सम पिक्चर्स, थैंकफुली ज़ेन्स कैमरा इज कमिंग इन हैंडी, गुड इन्वेस्टमेंट बॉय. तो हम लोग वहाँ बड़े वाले फाउंटेन पे गए थे, वहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, वहाँ पे तो क्रेजीनेस हो रहा था, वो तो एब्सोल्युटली वाइल्ड था. अच्छी चीज़ें कुछ लोगों को रास नहीं आती, बट तो ईच इट्स ओन, और इन्जॉय कर रहे हैं. बट हमें एक और फाउंटेन मिल गया, फाउंटेन ढूंढ लिया मैंने, फाउंटेन ढूंढ लिया, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फाउंटेन. तो अब वहाँ जाएंगे, थोड़ी तस्वीरें खींचेंगे, बहुत यार एक तो मेहनत लगती है तस्वीरों में, बट मे बी घर वालों को दिखानी होती है, थोड़ी फैमिली पाकिस्तान में उनको दिखानी होती है, सो इट्स वर्थ इट, इट्स वर्थ इट.
वाओ वी आर ब्रेकिंग द थर्ड वॉल आई थिंक ये फोर्थ वॉल फिफ्थ सिक्स्थ इस तरह करके कुछ था आज। अच्छा तो अभी हो क्या रहा है कि मेरी सिस्टर की ग्रेजुएशन पे इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स अगो केम टू द एग्जैक्ट स्पॉट पर मैंने यहाँ पे तस्वीरें खींची थी। तो अब मैंने जाते जाते लिटरली गाड़ी तक जाते जाते ख्याल आया यहाँ पे वो तस्वीरें थी सो मेनी इयर्स अगो एट द लास्ट ग्रेजुएशन। तो एग्जैक्ट स्पॉट पर वो तस्वीरें खींच रहे हैं। सो क्या शक्लें बना रहे हैं ना क्राउड मेरा बस करो नाइस आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट।